परमेश्वर में आप सभी को सलाम। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने इस योग्य जाना कि मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचनों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। चारों ओर इन वचनों को शेयर करने के पहले थोड़ा नजर घुमाकर देखेंगे कि किस तरह की परिस्थिति, क्या हालात है। आज हम जब चारों ओर अपने देखते हैं तो हमें घटनाएं सुनाई देती है। किस तरह की घटनाएं? जैसे कि राष्ट्रों का आक्रमण, लड़ाइयां, लोगों का एक दूसरे के प्रति अहंकार, अपने आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे दबा देना, विलाप है, भूखमरी है, गरीबी छाई हुई है, परमेश्वर से दूरी बढ़ रही है, अपवित्र कार्य है, मूर्ति पूजा बढ़ गई है और अब महामारी। नैसर्गिक विपत्तियां भी हमने देखी है कि संसार में नैसर्गिक विपत्तियां भी बड़े पैमाने पर आई है, परंतु अब ये जो महामारी आई है, इस महामारी में एक परिस्थिति निर्माण हुई है लॉकडाउन की। आज हम सब अपने अपने परिवारों में कैद हैं, अपने अपने लोगों के साथ घर पे बंधे हुए हैं और आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल चला है। एक नया शब्द बहुत ज़्यादा चलन में है, सोशल डिस्टेंसिंग। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने से ज़रा घबरा रहे हैं, इकट्ठे होने से घबरा रहे हैं। तो आइए इस सोशल डिस्टेंसिंग के पीरियड में हम परमेश्वर से अपनी डिस्टेंसिंग को कम करें। आइए वचन की ओर देखें। ये जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई हैं, क्या परमेश्वर ने इन परिस्थितियों के बारे में हमें कभी चिताया या हमें ऐसे ही छोड़ दिया इन परिस्थितियों से जूझने के लिए? देखते हैं कि वचन क्या कहता है। ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र इसलिए रचा गया कि हम इसे पढ़कर सिद्ध बने और हर एक भलाई के काम के लिए तत्पर रहे। हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमें परमेश्वर की बातों से जानकार बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया। फिर ये घटनाएं क्यों, ये विपत्तियां क्यों? जब परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया और सारी चीजें हमारे लिए अच्छी की, तो फिर हम इन विपत्तियों को क्यों जी रहे हैं? इसका कारण हमें वचन, जो निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 15 उसके 26वें वचन में मिलता है। उसमें परमेश्वर क्या कहता है, सुनिए। परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, ध्यान से सुनिए, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। और परमेश्वर का वचन अटल है, पूरा हुए सिवा वो वापस नहीं आता। परमेश्वर किसी बात में झूठा नहीं ठहरता। तो फिर क्या परमेश्वर आज झूठा ठहरा है? आइए वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। क्या सचमुच आज हम अपने परमेश्वर के वचन को तन और मन पूरी तरह से सुनते हैं? आज हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो सच्चाई यही है कि हम फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं और अपने टेक्निकल गैजेट्स के साथ में खेलते रहते हैं। हमारा मन सांसारिक अभिलाषाओं में भिड़ा रहता है। हम क्या वही कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी बुराइयाँ भी है जो मनुष्य करता है और हर एक चीज़ लोगों को दिखाई नहीं देती, दूसरों को दिखाई नहीं देती। कुछ बुराइयाँ ऐसी होती है जो केवल जो मनुष्य करता है वही जानता है, और भले ही वह बुराई गुप्त में करे परंतु उसका पिता जो गुप्त में देखने का सामर्थ्य रखता है वो जानता है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि ठीक वही करे जो उसे पसंद है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी, उन 10 आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं
कि जो परमेश्वर ने पहली आज्ञा हमें दी कि मुझे छोड़, तो किसी और को ईश्वर करके ना मानना। परंतु क्या आज पूरे संसार में केवल सच्चे परमेश्वर की उपासना होती है, जिसने सारी सृष्टि को रचाया, जो सर्वसामर्थी है? क्या उसी परमेश्वर के सामने आज हर एक व्यक्ति नतमस्तक होता है? नहीं। तो जब ये सारी चीजें, और फिर परमेश्वर कहता है कि उन सब विधियों को माने जो मैंने तुझे बताई, जो कुछ परमेश्वर ने करने के लिए कहा यदि हम वो करेंगे तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुझ पर एक भी रोग ना भेजूंगा, परंतु आज तो महामारी फैली हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि संसार में आने वाली ये सारी विपत्तियां, सारे जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इसका कारण ये है कि हम इस परमेश्वर के दिए हुए वचन के विरोध में चल रहे हैं। इसके विपरीत, क्योंकि परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके अध्याय 28 में वचन 58 से 62 में क्या कहता है, सुनिए, कि यदि तू अपने परमेश्वर का भय ना माने तो परमेश्वर तुझे रोग और दंड देगा। परमेश्वर ने सीधा सीधा वचन बता दिया है कि यदि तू अपने परमेश्वर का भय नहीं मानेगा तो तुझे रोग और दंड मिलेगा। इसका अर्थ यही है कि आज हम मानव जाति परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर के वचन को उस रीति से नहीं मान रहे जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। आज संसार में इस विपत्ति की वजह से हर कोई परेशान है, पूरी मानव जाति परेशान है, हर कोई घबरा कर अपने घरों में बंद पड़ा है। आज इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ 3 टॉपिक्स पर बात करूंगी। आज मेरे 3 टॉपिक चिंता, तैयारी और आशा, ये है। आज हम देख रहे हैं कि सारे लोग चिंता में डूबे हुए हैं, हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति चिंतित है। आज किस बात की चिंता है? चिंता है इस बात की कि कल जब ये परिस्थितियां हट जाएगी, या ये जो महामारी का समय चल रहा है इसमें हम हमारा घर संसार कैसे चलाएंगे। चिंता इस बात की है कि जब ये विपत्ति टल जाएगी तो सरकारों को बड़ी चिंता है कि अब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा समय आएगा, तो हमें क्या करना होगा? आज लोगों को चिंता है कि हम भविष्य कैसे चलाएंगे, अपना हमारी नौकरियां रहेगी या नहीं, हमारे बच्चों का क्या होगा। हम सांसारिक चिंताओं में लगे हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, लुका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हमारे लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की चिंता और खोज में लगी रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें ये आशा दिलाता है और हमें धन्यवादित करना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि आज हम उसका वचन पढ़ रहे हैं, आज हम विश्वास करते हैं उसके पवित्र प्रेम पर, उसके द्वारा दिए गए उसके प्यारे बेटे यीशु के बलिदान पर, कि उसने हमारा चुनाव किया और हमारे मनों को नम्र किया है कि हम हमारे परमेश्वर की सच्चाई जानते हैं कि वही जीवता परमेश्वर है। वो कहता है कि इन सांसारिक चीज़ों की चिंता मत करो। तो हमें चिंता नहीं करनी है कि जब ये परेशानी खत्म होगी हमारा क्या होगा, हमारा संसार कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में भेजा है। तो परमेश्वर हमारी चिंता और हमारी सुधि खुद करेगा, क्योंकि वचन हमें ये कहता है कि तुम्हें संदेह नहीं करना है। अपने परमेश्वर के ऊपर और उसकी सामर्थ पर हम संदेह कर सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं। वचन आगे कहता है कि जिस तरह हम यीशु के बारे में जानते हैं कि यीशु ने भी अपने 70 चेलों को जब भेजा तो उसने ये नहीं कहा कि तुम अपने खाने पीने की चिंता करना, परंतु उसने उन्हें आत्मिक कार्यों के लिए भेजा। और हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि जब वे 70 चेले लौट कर यीशु के पास आए तो वे बड़े खुश थे। वे खुश इसलिए थे कि उन्होंने यीशु के नाम से बड़े बड़े सामर्थी काम किए, उन्होंने अपने खाने पीने सांसारिक चीज़ों की चिंता नहीं की। तो फिर हमें क्या करना है? हमें भी वही करना है। आज हमें संसार में परमेश्वर के वचन को पहुँचाना है। हमें चिंता करनी है पर अलग रीति से। हमें चिंता करनी है उन लोगों की जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। हमें चिंता करनी है उन लोगों की जो वचन के भूखे हैं। यदि हमें कुछ समझ में आता है वचन से, तो हमारा काम है कि हम उन्हें समझाएं जिन्हें वचन समझ में नहीं आता।
आज हमें स्वार्थी होने की जरूरत नहीं है। उद्धार केवल हमारे लिए नहीं, यीशु केवल हमारे सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं मरा। वचन कहता है कि यीशु पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को त्याग दिया। हमें चिंता करना है, हमें उसके रास्ते पर चलना है, हमें देखना है, हमें सोचना है इस बारे में कि परमेश्वर ने जो हमारे हमें बहुत सारे दानों से परिपूर्ण किया, क्या हम अपने उन दानों को खोजने की चिंता करना है कि क्या हमने उन दानों का सही रीति से उपयोग किया है। हमें चिंता करनी है कि क्या हमने दया दिखाई है। हमें चिंता करनी है कि क्या हमने प्रेम से व्यवहार किया है। वचन कहता है कि तुम अपने निज के लोगों की, अपने परिवार के, अपने घरानों की चिंता करो। हमें उनसे मुंह नहीं फेरना है इस समय, क्योंकि कठिन परिस्थिति है। परमेश्वर के द्वारा उसके इस पवित्र शास्त्र में दी हुई सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। परमेश्वर कहता है कि हमें उद्धार का सुसमाचार देना है। संसार में ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के कार्यों के बारे में, परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है। सच्चे जीवते परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमें चिंता करनी है। हमें दूसरी चीज इस चिंता के साथ साथ ये करनी है कि अपने आप को सांसारिक अभिलाषाओं से दूर करना है। हमें सांसारिक अभिलाषाओं में नहीं रहना है, क्योंकि वचन मत्ती की पुस्तक में कहता है कि जो व्यक्ति सांसारिक चिंता में लगा रहता है वो वचन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका मन उसकी सांसारिक चिंता में, उसके धर्म में लगा रहेगा, तब वो पूरी तरह वचन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हम खुद वचन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम दूसरों तक वचन को सही रीति से कैसे पहुंचाएंगे? तो हमें चिंता करनी है अपने बारे में, अपने आप को वचन में मजबूत करने की, अपने परिवार को वचन में मजबूत करने की। यदि हम माता पिता हैं तो हमारे बच्चों को वचन में मजबूत करने की, क्योंकि वचन कहता है कि तुम उठते बैठते अपने बच्चों को वचन सिखाओ, ताकि जब वे अपने जवानी के दिनों में कदम रखें तो परमेश्वर के वचनों को ना भूलें, ताकि जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है वो शैतान के पंजों से हमारे बच्चों को बचाए रखें। हमारे बच्चे आज से वचन में मजबूत हो जाएं, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि ऐसे दिन आएंगे कि लोग भूखे और प्यासे होंगे। हम अनाज के भूखे प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है कि हम उसके वचन के भूखे होंगे। और ऐसा समय आ गया है, आज हम मिलकर बैठकर एक साथ परमेश्वर के मंदिर में नहीं बैठ सकते। वहां पर जाकर हम परमेश्वर के वचनों का भोजन नहीं ले पा रहे, अपने अपने घरों में समझ रहे। आज हम हमारे चरवाहे से दूर हो चुके हैं। आज हमें भूख प्यास है, पर हमारे वचनों की भूख प्यास को हमें इन पवित्र शास्त्र के वचनों से संतुष्ट करना है। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो करनी है तैयारी, सांसारिक रीति से नहीं करनी। किस तरह की तैयारी करनी है? आज सब लोग तैयारियों में लगे हैं। थोड़ा सा समय मिलता है लॉकडाउन में कि बाहर जाना है, आप बाहर जाइए, अपने घर की ज़रूरतों को उतने लिमिटेड टाइम में अपने घरों में लाने की चीज़ों को लाइए और पूरा कर दीजिए, और समय ख़त्म होने के पहले आपको घरों में पहुंचना है। लोग भी बड़े खुशी से उस समय बाहर निकलते हैं। वो जो थोड़ा सा समय होता है बाहर निकलने का, एक फ्रीडम इन्जॉय करने का हम कह सकते हैं, उस समय को लोग इन्जॉय करते हैं, अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर आ जाते हैं। बस उतनी तैयारी, इतनी ही तैयारी करनी है हमें। क्या परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हाथ में होते हुए हमारे पास में बस इतनी ही तैयारी करना के लिए परमेश्वर ने हमें यह पवित्र शास्त्र दिया है? आज जब हम इस समय के एक जो लिमिटेड टाइम मिलता है उसमें से जब हम अपने घरों में पहुंच जाते हैं तो हम बड़े सुरक्षित हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, बड़े घर में समाचार फैलाते हैं कि हम समय पर पहुंच गए। पर मसीही परमेश्वर ने और भी काम दिए, परमेश्वर ने काम दिया है अपने आप को तैयार करने का उस समय के लिए। आइए वचन के अनुसार देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक में परमेश्वर कहता है अध्याय 24 उसके 44वें वचन में कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करके तैयारी करने के लिए कहता है, हमें नींद से जागते रहने की चेतावनी देता है, हमें संसार की अभिलाषाओं से दूर, सांसारिक चीजों से दूर तैयार होने की चेतावनी परमेश्वर देता है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह यीशु मसीह संसार से गया उसी तरह वो वापस आएगा, परंतु उसके आने का समय अनिश्चित है। पता नहीं उसका आना कब होगा, कोई नहीं जानता, न मैं न आप। हो सकता है कि वो समय आज रात का हो सकता है कि वो समय इस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ अभी यीशु का आगमन हो जाए। तो क्या हम तैयारी कर चुके हैं? क्या हम अपने परिवारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ तैयार हैं उस दिन के लिए?
परमेश्वर का वचन हमें उस घड़ी के लिए तैयार होने को कहता है। परमेश्वर कहता है कि तैयार हो जाइए उस समय के लिए, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि वो समय भयानक रीति से तुम पर आ पड़ेगा। हमको तैयारी करनी है, हम तैयारी करेंगे उस समय के लिए भी कि जिस तरह आज हम हमारे सांसारिक घरों में आ करके शांत हो जाते हैं। हमें तैयारी इस चीज़ की ही नहीं करना है, हमारी तैयारी इससे आगे की होनी चाहिए। हमें तैयारी करनी है परमेश्वर के घर पहुंचने की। हमें तैयारी करनी है कि जब परमेश्वर का न्याय का दिन आए, तो जैसा यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, उस जगह पर जाकर रहने की जो संसार की सबसे सुरक्षित जगह है, जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, पर वहाँ जाने की तैयारी करना ज़रूरी है। वहाँ हर कोई ऐसे ही नहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि सकरा है वो रास्ता, उस सकरे रास्ते पर चलने की तैयारी करना है, क्योंकि जाने की चाह रखने वाले बहुत होंगे, परंतु उसमें से जाने वाले बहुत थोड़े होंगे। उन थोड़े लोगों में गिने जाएं, उस चीज़ की तैयारी करना है। पवित्र शास्त्र की पुस्तक रोमियो उसका अध्याय 13:11 कहता है कि आज तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, हमारा उद्धार निकट है। आगे लिखा है कि रात बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्यागना है और ज्योति के हथियार बांधना है। ये तैयारी करनी है। ये ज्योति के हथियार, इसका वर्णन हमें पवित्र शास्त्र में ही मिलता है। ये ज्योति के हथियार जो परमेश्वर ने खुद हमारे लिए तैयार करके रखे हैं, कि इन कठिन परिस्थितियों में उन हथियारों को पहनकर, हमें शारीरिक रीति से कुछ नहीं पहनना है, ये सारे जो हथियार हैं ये हमारे आत्मिक हथियार हैं, जिनकी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए की है। हमें इन हथियारों को पहन लेना है, ताकि आने वाले समय में जब और कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, जब शायद हम सहन भी नहीं कर पाएंगे, जब ये वचन हमारे पास से दूर हो जाएगा, उस समय हम अपने परमेश्वर के उन दिए हुए हथियारों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उस चीज़ की तैयारी। आगे वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका अध्याय 21 कहता है कि पृथ्वी पर घटने वाली वारदातों से इंसान के मन में डर समा जाएगा। इंसान के मन में डर समा जाएगा। आज डर समाया है, डर समा गया है ना आज हम लोगों के मन में। आज हम बाहर निकलने से डर रहे हैं, आज हमारे बीच में से प्रेम भी उठ गया है। आज इतना डर है कि यदि किसी की मृत्यु का समाचार हम सुनते हैं, तो हम वहां पहुंचने से भी डरते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं वहां जाएंगे तो हम अपने घर में बीमारी तो लेकर नहीं आएंगे। हम अपने रिश्तेदारों को अपने घर में रिसीव करने से डर रहे हैं। हम बहाना बना देते हैं आज कि नहीं भाई, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी सरकार ने मनाई करके रखी। हम अपने अड़ोसी पड़ोसी से मिलने से डर रहे हैं। वचन कहता है कि पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं होंगी कि हमारे मन में डर समा जाएगा। तो क्या करना है? परमेश्वर के वचनों में की ओर दौड़ना है, मन फाड़ कर। वचन कहता है कि मन फाड़ कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन अद्भुत है, हर परिस्थिति में हमसे बातचीत करते हैं, हमें साहस देते हैं। अब इस डर के माहौल में जीने के लिए परमेश्वर किस तरह तैयार करेगा? वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 145 में कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर ने हमें आशा दिलाई है कि मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा, पर रक्षा कब करेगा? जब हम उसके वचनों को मानेंगे ही नहीं, जब हम उसके अनुसार चलेंगे ही नहीं, तो क्या परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए आगे आएगा? परमेश्वर ने अपने प्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने रख दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दिया। जिसने कभी पाप नहीं किया उसे पापी ठहराया। इससे बड़ा उदाहरण तो कोई नहीं दे सकता संसार में। तो फिर यदि हम वापस पाप की ओर मुड़ेंगे, तो क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? तो क्या इस मन में समाये हुए डर से परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाएगा? आज हमको सोचने का समय, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं। संसार में पहले भी विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होती थी, आज भी हो रही है, पर बदलाव है। बदलाव इस तरह है कि पहले विपरीत परिस्थितियों का समाचार बड़े आराम आराम से 1 साल 2 साल 3 साल में आता था,
परंतु अब लगातार नई नई विपत्तियों के बारे में हम सुनते हैं। बहुत कठिन समय आने वाले हैं, कठिन समयों की शुरुआत हो चुकी है। हमें तैयारी करनी है, देखना है कि हम इस परिस्थिति में कहाँ खड़े हैं। क्या हम तैयार हैं उस समय के लिए कि यदि आज इस समय यीशु आ जाए अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, अपनी दुल्हन को उठाने के लिए, तो क्या हम उसकी दुल्हन हैं तैयार? क्या हम इस लायक हैं कि वो हमें अपने लोगों में चुनकर लेकर चले जाए और इस संसार में आने वाली उन भयानक विपत्तियों से जो उसके साथ उठा लिए जाने के बाद आने वाली है उससे बच जाएं? हमें तैयारी करनी है। परमेश्वर हमें बचाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें उसके कहे अनुसार उसकी रीति पर चलना है, उसके निकटता में आना है। इस समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस समय को पूरी तरह यूज़ करना है। हम नहीं जानते कि समय के बाद कौन सा समय आएगा, परंतु ये जो समय दिया है इसे भी एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव होकर एक्सेप्ट कीजिए कि ये समय परमेश्वर ने दिया है अपने वचनों में पूरी तरह लीन हो जाने का। मेरा आखिरी जो पॉइंट है आपके साथ डिस्कस करने का, वो है आशा। आज इस बड़ी कठिन परिस्थिति में हम सब आशा लगाए बैठे हैं कि कुछ समय के बाद ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ बाहर निकलेंगे। हम आशा लगा कर रखे हैं कि मेडिसिन आएगी, वैक्सीन आ जाएगा इस बीमारी का, क्योंकि इंसान हार नहीं मानना चाहता, इसलिए लगातार कोशिश में लगा हुआ है। तो आशा कर रहे हैं हम कि आज या कुछ समय के बाद हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और फिर से आनंद और खुशियां मनाएंगे। अच्छा है, आशा करनी भी चाहिए और परमेश्वर करे कि अपने क्रोध को वो शांत करे और हमें इन कठिन परिस्थितियों से निकाले, क्योंकि आशा करना अच्छी बात है, आशा एक सकारात्मक सोच है। पर वचन क्या कहता है देखते हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक अध्याय 24:21 में कहते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। परमेश्वर का दिन का वचन हमें अंतिम दिनों की चेतावनी में तो बड़ी भयानक बातें बताता है, तो इन भयानक बातों को पढ़ने के बाद हम किस तरह आशा बांधें, या हमारा आशा बांधना सही है या गलत है, हमें आशा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? परमेश्वर ने अपने वचन में हमें उस अनंत जीवन की आशा दी है। यदि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, वो सारे कार्यों को करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने बताए हैं, तो हमें आशा है। हमें आशा है उस नए जीवन की, जहाँ पर किसी तरह की बुराई, किसी तरह की दुख, बीमारी, किसी तरह की जलन, डर, रोना कुछ भी नहीं होगा। तो हमें आशा करनी है। वचन कहता है कि आशा के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है और आशा से लज्जा नहीं आती। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर आशा रखेंगे तो हमें लज्जा का सामना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है उस अनंतकालीन जीवन का, उस विरास को देने का। हमें आशा करनी है। किस तरह की आशा? हमें आशा करनी है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, परंतु हमें अपने विश्वास से डगमगाना नहीं है। हमें आशा करनी है, जैसा वचन में लिखा है, कि एक समय आएगा कि जब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले नया बल प्राप्त करेंगे, थकेंगे नहीं। हमें उन परिस्थितियों के बदलने की आशा करनी है। संसार में विपत्तियां आएगी, संसार की परिस्थितियां बदलेगी, परंतु ये बदलने वाली परिस्थितियां अब सुधरने से ज़्यादा बिगड़ने की ओर बदलेगी, क्योंकि वचन वही दिखाता है। क्योंकि संसार में गलत चीज़ें बढ़ गई हैं और परमेश्वर का न्याय का दिन निकट है, तो हमें आशा करनी है कि हम अंत तक विश्वासी रहें। हमें आशा करनी है कि हमें परमेश्वर अपनी आनंद और शांति से भर देगा। हमें आशा करनी है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर तब तक चलना है जब तक कि हमारा आखिरी सांस लेने का समय नहीं आ जाता। हमें आशा करनी है कि जब हम इस संसार से विदा होंगे तो परमेश्वर हमारा चुनाव कर चुका होगा। हमें आशा करनी है कि जीवन की पुस्तक में परमेश्वर हमारा नाम लिखेंगे। हमें आशा करनी है कि न्याय के बाद, जब परमेश्वर का न्याय होगा, हम न्याय का दिन को देखेंगे, उसके बाद
परमेश्वर हमें अपने गिने हुए लोगों में, अपने चुने हुए लोगों में, अपने पवित्र जनों की संगति में बैठने का अवसर देगा। हमें आशा करनी है कि हम अपने पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी महिमा करने के योग्य ठहरेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी बनो और पवित्र बनो। आइए हम धर्मी बनने की कोशिश करें, हम पवित्र बनने की कोशिश करें, हम भलाई करें, क्योंकि वचन कहता है कि हम अपने परमेश्वर के सामने और यदि उसकी निकटता में जाना चाहते हैं तो हमें ये सारे कार्य करने ज़रूरी हैं। परमेश्वर हमें हमारी आशा का दाता है, ये हमें वचन सिखाता है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 66 उसका 12वां वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। समय निकट आ गया है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें चिताता है कि जब तुम संसार में सारी चीज़ें होते हुए देखो तो जान जाना कि मेरे आने का समय निकट है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर का आना, उसका न्याय का वो भयानक दिन कब होगा। हम नहीं सहन कर सकेंगे उसके क्रोध को। हमें आशा करनी है कि उसके क्रोध से हम बचाए जाएं। हमें आशा करनी है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ कर दे और परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाए, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वह जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। हमें धर्मी बनना है, परमेश्वर के आने की बाट जोहना है और उसकी चिंता करनी है। अपने आप को, अपने परिवार जनों को, अपने आसपास के लोगों को, सबको तैयार करना है और ये सारी चीज़ें हमें अब करने की शुरुआत कर देना है। आइए हम अब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता, जो आप ऊँचे पर विराजमान सिंहासन पर बैठे हैं परमेश्वर पिता, जो अति पवित्र है पिता परमेश्वर, जो सेनाओं के सेनाधीश है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज उन सभी के लिए परमेश्वर, जो बड़े क्राइसिस में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, आप उन पर अपनी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और इन बच्चों के द्वारा परमेश्वर पिता आप हम सभी को आशीष दीजिए, और परमेश्वर पिता हमें तैयार कीजिए परमेश्वर कि जिस तरह आप चाहते हैं हम आपके परमेश्वर पिता पवित्र राज्य में आने के लायक बन पाए। धन्यवाद के साथ यीशु के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को आपसे मांगती हूँ, सुनिए प्रेम कीजिए।